हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। क्या आप भी इस तरह के सीन्स ओपन टून्स की मदद से बनाना चाहते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आप मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, आप परफेक्ट तरीके से कार्टून वीडियो में एनिमेशन बनाना सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम ओपन टून सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड पहले से ही ड्रॉ करके रखा है आप सभी का टाइम बचाने के लिए। तो ये जो दो कैरेक्टर मेरे दिख रहे हैं आपको दोस्तों, इसके मैंने अलग अलग पार्ट को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ किया है। अगर आपको पहले ड्रॉ करना नहीं आता या ट्रेसिंग करना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने वहाँ पे पहले से ही ऐसी वीडियोस डाल रखी हैं जो आपको सिखा सकती हैं कि कैरेक्टर को कैसे ट्रेस करें और कैसे ड्रॉ करें। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको एनिमेशन लगा के दिखाऊंगा कि ओपन टून से कैसे एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक न्यू वेक्टर लेयर पहले क्रिएट करना चाहूँगा। नहीं, उससे पहले क्या करूँगा कि मुझे इस गणेश जी को, जो मेरा कैरेक्टर है, उसे मुझे बात करवाना है, उसे बुलवाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही गूगल से ये माउथ का सेट डाउनलोड करके रखा है दोस्तों। ये देख लीजिए, मैंने उसे इम्पोर्ट कर लिया है। और इसके टाइमलाइन को भी मैं बढ़ा दूंगा पहले, तो इसके टाइमलाइन को वहाँ से बढ़ा देता हूँ जहाँ से मुझे कैरेक्टर को बात कराना है। शुरू से मुझे बात नहीं कराना दोस्तों, शुरू से हमारा कैरेक्टर साइलेंट रहेगा और बीच में एक दो सेकंड के बाद हमारा कैरेक्टर बोलेगा। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो ये मेरा जो 48 के बाद होगा, ये जो मैं, हाँ, ये थोड़ा और मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो इसको मैं नहीं, छोड़िए, उसको क्या बढ़ाना है दोस्तों, इसको कम ही नहीं बढ़ा ही देता हूँ। तो मैंने इसे बढ़ा दिया है अपने जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया था। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, पूरे को सेलेक्ट करूँगा, पहले फिर से बैक करेंगे, यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। फिर जब सेलेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो लेफ़्ट क्लिक करेंगे और डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे। तो जितना मैंने सेलेक्ट किया वो सारे बॉक्सेस डिलीट हो चुके हैं। खाली बॉक्स में मैंने क्लिक किया और वहाँ मैंने न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट किया, यानी कि ब्लैंक लेयर दोस्तों। तो ये ब्लैंक लेयर को अब मैं ड्राइंग वाले पे क्लिक किया हूँ, ये ड्राइंग वाला ऑप्शन जो है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ गया मेरा। हाँ, यहाँ है ये मेरा जिस लेयर पे मैं अभी इसको ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं बारी बारी क्या करूँगा दोस्तों, ये माउथ का सेट है, इसमें से मैं 3-4 सेट को ड्रॉ करूँगा, ज़्यादा पूरे को नहीं ड्रॉ करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ कैरेक्टर को बुलाना है। तो बुलवाने के लिए मुझे जितने तरह के माउथ के रिएक्शन चाहिए मैं उतने तरह के ट्रेस कर लूँगा। तो मैं पहले इसको जूम कर लेता हूँ, मैंने जूम कर लिया है। पहले सबसे पहले मैं इस वाले को बनाऊंगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पेंट ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसकी मदद से मैंने एक ट्रायंगल बनाया है और सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ पे मैं इसके थिकनेस को कम कर दिया। अब इस टूल पे क्लिक किया है और यहाँ लाइन पे क्लिक करेंगे और इसे कर्व शेप देंगे दोस्तों, यानी कि मैं इसे ऊपर की तरफ उसे पकड़ खींचूंगा तो वो लाइन कर्व होता जाएगा। तो इस वाले लाइन को भी मैं कर्व कर दूँ। तो यहाँ से अब यहाँ की बाड़ी यहाँ से पकड़ के खींचेंगे तो ये भी कर्व हो चुका है। अब इस वाले लाइन की बाड़ी, इस वाले लाइन पे क्लिक किया और इसे भी खींच के कर्व कर दिया, तो कर्व हो चुका है। अब कलर की बाड़ी, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, कलर चूज कर लिया है पेंट बकेट की मदद से। अब इसमें कलर करेंगे दोस्तों, तो पूरा रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए कोई भी ड्राइंग जो मैं बनाऊंगा, तभी वो कलर होगा दोस्तों। अब मैं इसके ओपेसिटी को कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके दांत और जीवान दोनों बनाने होंगे इसी लेयर पे। तो मैं ज्योमेट्री टूल मैंने फिर से सेलेक्ट करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, दोनों लाइन से सटा कर ड्रॉ करी है दोस्तों, तभी इसमें कोई कलर होगा। और इसके आउटलाइन को भी पतला कर दिया है। अब इसकी मदद से अब इसे कर्व शेप देंगे, तो कर्व शेप भी दे दिया। अब कलर की बारी, तो मैं फिर से प्लस वाले पर क्लिक करूँगा और कलर मैं चूज़ करूँगा जीवान का। तो ये रेड में हल्का मैंने चूज़ कर लिया है और मैं कलर कर दिया पेंट बकेट की मदद से। फिर से मैंने ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया दोस्तों। अब मैं इसके दांत को ड्रॉ करूँगा, तो इसके लिए मैं सीधी एक लाइन ड्रॉ किया और उसे आउटलाइन की मदद से पतला कर दिया। तो अब मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा कर्व कर दूँ कि ये इससे लगे कि हाँ, हमारा कैरेक्टर का दांत है ये। तो मैं इसे अपनी जगह पे बिठा देता हूँ, ये भी सही जगह पे बैठ चुका है। हाँ दोस्तों, अब इसमें कलर की बारी, तो मैं प्लस वाले आइकन पे कलर करूँगा और वाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया और पेंट बकेट की मदद से अब इसको मैं कलर करूँगा दोस्तों। तो इसके लिए मुझे क्या है कि मुझे जो मैं जिस हिस्से में मुझे कलर करना है उसी हिस्से में रेक्टेंगल का शेप मैं बनाऊँगा और उस हिस्से को पूरा मैं उसके अंदर लूँगा, तभी वो कलर होगा दोस्तों, वरना दूसरा भी कलर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं बड़ी समझदारी से कलर करूँगा। ये बार बार मेरे रेक्टेंगल में आ नहीं रहा दोस्तों, अब आ गया है। हाँ, कलर हो चुका है, एक शेप तैयार है माउथ का दोस्तों। अब दूसरे की बारी, तो दूसरे खाली जगह पे मैंने क्लिक किया और फिर से न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा। तो क्रिएट हो चुका है दोस्तों, अब मुझे दूसरे सेट को बनाना है। तो मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ और फिर से मैं क्या करूँगा, सबसे ये इसमें से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला ठीक है, तो इस वाले को मुझे बनाना है अब इस वाले पे। तो मैं क्या करूँगा, अभी से पहले और जूम आउट कर लेता हूँ और फिर जूम करूँगा। अब बड़ा कर लिया है मैंने यहाँ पे फेस को, अब ज्योमेट्री टूल की मदद से इस वाले को बनाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल शेप पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और इस सिलेक्शन टूल की मदद से इसके आउटलाइन को भी मैंने पतला कर दिया है। और इस टूल की मदद से अब मैं इसे कर्व शेप दूंगा, ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों। तो आप अगर मेरे चैनल पर बने रहें दोस्तों और मेरी वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा भी मिस ना करें, इससे हो सकता है आपसे छोटी सी जानकारी मिस हो जाए जो आपको बाद में एनिमेशन के दौरान दिक्कत दे। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं आती दोस्तों, कैरेक्टर को कैसे ट्रेस करते हैं, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं, अगर वो भी नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें और मेरी वीडियोस को देखें, आप पक्का सीख जाएंगे दोस्तों। मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करके पहले से ही रखे हैं, तो मैंने इसमें कलर कर दिया है दोस्तों। अब इसके जुबान और दांत की बारी है, तो दांत के लिए मैं एक सीधी रेखा पाड़ूंगा ज्योमेट्री टूल की मदद से, और सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने उसे पतला भी कर दिया। अब इसे थोड़ा कर्व शेप दे देते हैं इस टूल की मदद से, मैं इसको भी नीचे पकड़े खींच देता हूँ, तो ये कर्व शेप हो चुका है दोस्तों, थोड़ा इधर कम कर देते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है। अब इसमें कलर की बारी आएगी, तो मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा और वाइट कलर इस बार सेलेक्ट करूँगा, और पेंट बकेट की मदद से मैं इसमें कलर कर दूँगा। तो ये मेरा कलर हो चुका है ऊपर का हिस्सा। अब नीचे भी मैं उसी दांत के हिस्से को फिर से बनाऊँगा, तो मैंने उसी तरीके से ज्योमेट्री टूल की मदद से एक लाइन पाड़ ली है। अब मैं इसे सिलेक्शन टूल की मदद, इस टूल की मदद से कर्व शेप भी दूँगा, तो ये कर्व शेप भी मैंने दे दिया है दोस्तों। वाइट कलर मैं सेलेक्ट करूँगा और पेंट बकेट की मदद से इसको भी कलर कर दूँगा दोस्तों। तो ये मैं पेंट बकेट की मदद से मैं कलर कर रहा हूँ, ये कलर हो चुका है मेरा दोस्तों। अब जो बाड़ी है इन दोनों के दांत के बीच के जबान की, तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है। ज्योमेट्री टूल की मदद से मैं दोनों तरफ से इस लाइन को सटा करके एक लाइन बीच में से ड्रॉ करूँगा और इसे थोड़ा कर्व कर दूँगा। हाँ, अब बाड़ी दूसरे तरफ से भी मैं लाइन सटा करके पूरे लाइन पे ही सटा के, दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी बीच में अगर कोई और कलर करना हो तो दूसरे लाइन पे सटा के ही दूसरा लाइन पाड़ना पड़ेगा दोस्तों, और उसे चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा, तभी उसमें कोई डिफरेंट कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे आके अब कलर कर देता हूँ दोस्तों। तो ये मेरे जबान का कलर भी आ गया है, अब बस इसमें कलर करना बाकी है। तो मैं पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये कलर हो नहीं रहा क्योंकि मैं ये मेरे रेक्टेंगल से बाहर जा रहा है इसका सेप। हाँ, अब कलर हो चुका है दोस्तों, दूसरा सेट भी बन गया। तीसरे खाली बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करूँगा दोस्तों। तो ये तीसरा लेयर होगा मेरा। अब इसमें तीसरे ड्राइंग को मैं ड्रॉ करूँगा, तीसरे टाइप के माउथ को, तो मैं इसे जूम आउट पहले कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे कौन सा वाला बनाऊँ इसमें, अब इसे मैं पहले जूम आउट कर लूँगा, उसके बाद ही मैं इसमें कोई सेलेक्ट कर सकता हूँ कि अब तीसरा सेट कौन सा होगा। तो पहले इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये मेरा शायद फंस गया है, अब होगा, अब जूम आउट हो गया दोस्तों। अब इस वाले की बारी है, तो ये जो ए वाला शेप है मैं अब इस वाले शेप को बनाऊँगा। तो ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा दोस्तों। तो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, इसके आउटलाइन को भी पतला कर दिया है। अब इस टूल की मदद से अब मैं इसे शेप दूंगा। तो पहले इसको पकड़ के इस तरफ को खींचा और इस वाले को पकड़ के भी इसी तरफ खींचेंगे, तो ये राउंड शेप में आ चुका है दोस्तों। अब इस तरफ वाले की बाड़ी है, तो लाइन पे मैं क्लिक करूँगा, दोनों तरफ के ये आ जाने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, नहीं आया अभी तक, तो अब मैं फिर से लाइन पे क्लिक करूँगा, आ चुका है दोस्तों। इसे पकड़ के मैंने इस तरफ खींच दिया, ऐसे हल्का ही खींचेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है। अब इधर वाले को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सटा दूंगा और ऊपर से खींचूंगा। अब इस बार ऊपर वाले को खींचा, तो इधर से का भी शेप बन चुका है दोस्तों। अब ऊपर वालों की शेप की बारी, तो मैं इन्हें भी शेप में ला देता हूँ। तो ये मैं पहले माउथ सेट ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों, पहले कैरेक्टर मेरा बोलेगा, उसके बाद ही उसमें और भी एनिमेशन लगाऊंगा। मैं कलर की बारी, तो मैं कलर कॉपी कर लूँगा दूसरे वाले लेयर पे जाके और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा, और मैं पेंट बकेट की मदद से इसमें कलर कर दूँगा। तो ये कलर नहीं हुआ, थोड़ा और मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं करके देखता हूँ, अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा और जूम आउट कर लिया, अब आ जाना चाहिए, कलर हो चुका है दोस्तों। अब फिर से मैंने ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया। अब बारी है इसके जबान को बनाने की, तो मैं एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर दिया सिलेक्शन टूल की मदद से, पहले जूम आउट कर लेता हूँ, इसके थिकनेस को भी कम कर दिया। अब इस टूल की मदद से इस तरफ भी कर्व करूँगा और उस तरफ भी कर्व करूँगा, इसे जबान के शेप में लाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ से मैं कर्व कर चुका हूँ, इस वाले को भी कर्व कर ही देता हूँ, तो ये कर्व हो चुका है दोस्तों। तो ये जबान मेरा रेडी है। अब कलर की बारी, दूसरे वाले लेयर पे गए, कॉपी किया कलर को और यहाँ आके मैं पेस्ट कर दूंगा, और अब मैं कलर कर देता हूँ पेंट बकेट की मदद से। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, अब ठीक है, अब ये कलर हो चुका है दोस्तों। अब दांत की बारी, मैंने फिर से ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया और अब मैं एक सीधी लाइन पाड़ूंगा इधर से उधर तक, तो मैंने एक लाइन को सीधा ड्रॉ कर दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, इसे पतला भी कर दिया है दोस्तों। इस टूल की मदद से थोड़ा सा इसे हल्का सा कर्व करेंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं। तो अब मैं कलर कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, वाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब बारी है कलर की, तो मैंने कलर भी कर दिया, तीसरा सेट मेरा बनके तैयार है दोस्तों। अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये जूम आउट हो चुका है। अब बारी है, अब मैं एक और शेप चाहूँ तो बना सकता हूँ, मगर फिलहाल मुझे लगता है तीन ही शेप ठीक है दोस्तों। अब मैं एनिमेशन वाले पे गया, मेरे तीनों शेप बन गए हैं। अब इन जो मेरे ये मैंने फ़ोटो को इम्पोर्ट किया था, मैं इस वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने लेयर को डिलीट कर दिया है। अब ये माउथ वाला ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो नए बॉक्स दिख रहे हैं जिसमें नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, मैं इसके ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ। तो ये तीनों फोटो देख लीजिए दोस्तों, तीनों पे क्लिक करूँगा तो ये वाला माउथ ऊपर है। तो सिलेक्शन टूल की मदद से पहले क्या करूँगा, मैं इसे पूरे इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको माउथ को मैंने सेलेक्ट किया और इसे माउस की मदद से खींचते हुए नीचे लाऊँगा चेहरे पे, चेहरे के पास, तो आ चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगा, छोटा करूँगा, ये बहुत बड़ा माउथ दिख रहा है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ पहले। अब इस माउथ को छोटा करते हैं दोस्तों, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा साइज मैं इसे करूँगा। तो मैं इस तरफ से भी करूँगा, दोनों तरफ से करना होगा, तभी ये शेप में आएगा दोस्तों।
तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है। मैं इसे उठा के अपनी जगह पे लगा दूंगा। तो मैं इसे ड्रैग करके अपनी जगह पे लाया। अब ये अभी भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है दोस्तों, थोड़ा और मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो इस तरफ से भी मैं खींच के इसको थोड़ा छोटा कर दिया। हाँ, ये शेप ठीक लग रहा है दोस्तों। अब मैं इसे उठा के अब सूंड के नीचे अपनी जगह पे लगा दूंगा। तो ये जगह पे तो लग चुका है, पिछला वाले पे क्लिक करके देखेंगे मिला के कि हाँ ये सही जगह पे लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो फिर से इसका जगह हम चेंज करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा और खसका देता हूँ, तो अब फिर से चेक कर लेते हैं। तो हाँ, ये भी सही जगह पे लग गया है दूसरे वाले की बाड़ी। तो दूसरे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जूम आउट किया और ये रहा हमारा माउथ। इसे मैंने सेलेक्ट किया और माउस की मदद से इसे मैं अपनी जगह पे ला के रखूँगा और फिर इसे मैं छोटा करूँगा दोस्तों। तो इसे भी मैं छोटा कर लेता हूँ। अभी मैं जूम करता हूँ। अब इसे उठा के अपनी जगह पे ले जा के रखना होगा मुझे। तो इसे मैं अपनी जगह पे ला के रख दिया। तो ये दोनों माउथ मेरे दोस्तों रेडी है। अब पहले मिला के देख लेते हैं बारी बारी। तो दोनों तो ठीक जगह पे हैं। मैं ये मुझे थोड़ा और लग रहा है, इसका जगह को मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। थोड़ा और बड़ा कर दिया और इसे ऊपर की तरफ खसका दिया। तो ये खसक चुका है। अब तीसरे की बारी, तीसरे वाले डब्बे पे अब क्लिक करेंगे। पहले इसे जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लिया मैंने इस ड्राइंग को। अब तीसरे वाले डब्बे पे गए, ये रहा मेरा माउथ। इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे ला के अपनी जगह पे रख देंगे। अब इसे छोटा कर देंगे, फिलहाल बहुत बड़ा दिख रहा है तो मैं इसे छोटा कर देता हूँ। छोटा हो चुका है, जूम आउट करेंगे। अब इसे जूम करेंगे, थोड़ा उठा के अपनी जगह पे इसे ले जाके रख देना है। फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शेप इसका अल्टरनेट हो चुका था। अब इसे जगह पे ला के रख देना है दोस्तों। तो ये तीनों ड्राइंग मेरी अपनी जगह पे आ चुकी है। अब बारी है इनमें एनिमेशन लगाने की। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले बॉक्स पे क्लिक, पहले तीनों को क्लिक करके देख लेते हैं कि सही तरीके से बनाया या नहीं। मैंने इसको कॉपी किया लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट कर दिया। यानी कि उसके बाद अब ये वाला शेप, और उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, पहले वाले को दो टाइमलाइन बढ़ा दिया मैंने उसका। इसका एक ही टाइमलाइन बढ़ाया और इसका भी टाइम, इसको पहले कॉपी करूँगा लेफ्ट क्लिक करके, इस वाले बॉडी को यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो वो वाला आ गया बंद माउथ वाला। अब इसके क्या करूँगा, इसके भी टाइमलाइन को मैं बढ़ाऊँगा। तो इसके भी टाइमलाइन को दो तक बढ़ा दिया है, इसके भी दो तक बढ़ा दिया है। तो अब मिला के देख लेते हैं दोस्तों प्ले करके। तो ये सही तो है। अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला शेप है, बारी बारी मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये भी शेप ठीक है। ये वाला एक ही बॉक्स है, तो इसके क्या करूँगा, इसके भी टाइमलाइन को एक को मैं बढ़ा दूँगा। तो इसके टाइमलाइन को भी मैं एक बढ़ा दिया और इसके टाइमलाइन और इन दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे एक और डालना पड़ेगा। इसको डिलीट कर लेता हूँ पहले एक बॉक्स को, और इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर कॉपी किया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा फिर से। तो नया वेक्टर लेयर मैं ब्लैंक लेयर मैं क्रिएट कर लिया हूँ और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पहले बंद माउथ वाले को कॉपी किया, या इसके ऊपर आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो बंद माउथ वाला को भी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। अब इन सबको मैं कॉपी करूँगा। तो लेफ्ट क्लिक करके कॉपी किया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया और पेस्ट सेल कर दिया। तो ये सारे सेल पेस्ट हो गए। फिर से मैं पेस्ट करता चलूँगा इसी सेट को। तो इसी तरीके से मैं 120 फ्रेम तक इन सबको ले जाऊँगा कॉपी कर करके, पेस्ट कर करके। अब बार बार ड्रॉ नहीं करना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इन सबको फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझसे गलती से कोई और चीज़ कॉपी हो गई थी। अब मैं यहाँ पे फिर से लेफ्ट क्लिक करूँगा, पेस्ट सेल। फिर से नीचे गया, यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, पेस्ट सेल, और इसके टाइमलाइन को दो बढ़ा दिया। ये वाला फालतू है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा माउथ टॉकिंग बन चुका है। मैं इसे चला के दिखाता हूँ पहले कि हमारा कैरेक्टर बात कैसे करता है दोस्तों। तो ये देखिए चल रहा है वीडियो, थोड़ी देर साइलेंट है, अब बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देख लीजिए कैरेक्टर हमारा परफेक्ट तरीके से बोल रहा है दोस्तों। तो अब ये बोलने तो लगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी जान डालेंगे। तो मैं इसे पहले जूम आउट कर लेता हूँ। अब ये बोलते समय इसका थोड़ा सर हिलना चाहिए, थोड़ा सूंड हिलना चाहिए, थोड़ा हाथ हिलना चाहिए, तभी लगेगा कि कैरेक्टर हमारा रियल है दोस्त। तो मैं बोन टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एनिमेट वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले फेस वाले एनिमेशन की बारी है। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करके मैंने की लगा दिया है दोस्तों, और उसके थोड़े से नीचे जाके कुछ फ्रेम छोड़ के वहाँ पे की नहीं लगाना है, सिर्फ फेस को मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ऑटोमेटिक की लग जाएगा। तो फिर उसके नीचे थोड़ा सा और फ्रेम छोड़ के मैं खाली की लगा दिया हूँ लेफ्ट क्लिक करके, और फिर उसके थोड़ा सा नीचे जाके मैं उसके सर को थोड़ा पीछे की तरफ कर दिया। फिर नीचे गया, यहाँ पे मैं खाली की लगाया, फिर इसके नीचे 7-5 फ्रेम छोड़ के मैं फिर इसके चेहरा को आगे की तरफ झुकाऊंगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग गया। फिर यहाँ पे मैं ब्लैंक की लगा दूंगा, फिर उसके नीचे 5-6 फ्रेम छोड़ के फिर इसके चेहरे को मैं पीछे की तरफ खींचूंगा। अभी आगे है मेरा चेहरा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इसके चेहरे को थोड़ा पीछे खींच दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग चुका है। अब फिर इसको 4-5 फ्रेम छोड़ के यहाँ पे मैं खाली की लगाऊंगा, और फिर 4-5 फ्रेम छोड़कर दोस्तों इस चेहरे को आगे की तरफ झुकाऊंगा। इससे क्या होगा, ये खाली की लगाने से दोस्तों कि हमारा चेहरा आगे की तरफ झुका, फिर कुछ सेकंड हल्का सेकंड वहाँ पे रुकेगा, फिर पीछे की तरफ आएगा। अगर खाली की नहीं लगाएंगे दोस्तों तो वो पेंडुलम की तरफ झूलता रहेगा, पहले आगे जाएगा फिर ऑटोमेटिक वहीं से फिर पीछे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एनिमेशन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बीच बीच में खाली की लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद एनिमेशन वाला की लगाता हूँ। यहाँ पे खाली की लगाया और यहाँ पे क्लिक किया, चेहरे को पीछे की तरफ खींच दिया।
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया दोस्तों। तो 120 फ्रेम तक मैंने की लगा दिया है। अब बारी है गणेश जी के सूंड को हिलाने की। तो फेस तो हिल चुका है दोस्तों, सूंड वाले ऑप्शन पे गए लेयर पे, यहाँ पे खाली की लगाया सबसे पहले, फिर 4-5 फ्रेम नीचे मैं इसके सूंड को क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचूंगा, ऊपर की तरफ कर दिया, ऑटोमेटिक की लग गया। फिर 4-5 फ्रेम छोड़े और यहाँ पे लगा दिया खाली की, फिर 4-5 फ्रेम पे के बाद गए और इसके सूंड को नीचे की तरफ किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग गया। फिर 4-5 फ्रेम छोड़ेंगे, यहाँ पे खाली की लगाया, फिर 4-5 फ्रेम के बाद इसके सूंड को ऊपर की तरफ कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया। फिर इसी तरीके से खाली की लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसके सूंड को नीचे की तरफ खींचेंगे। तो आगे पीछे ऊपर नीचे करते रहना है, बीच बीच में खाली की लगाते चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसके सूंड को ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग चुका है। फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने खाली की लगा दिया है। फिर 5 फ्रेम छोड़ करके मैंने इसके सूंड को नीचे की तरफ किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से करते करते मैं 120 फ्रेम तक जाऊँगा। 120 फ्रेम तक मैंने इसके टाइमलाइन को रखा है सारे पार्ट्स के, क्योंकि मैं 5 सेकंड की वीडियो बना रहा हूँ मात्र। तो यहाँ पे सूंड में भी एनिमेशन लग चुका है दोस्तों। अब बारी है इसके हाथ के रिएक्शन की। तो जिस फ्रेम से ये कैरेक्टर हमारा बोलना स्टार्ट करेगा, जब तक तो शुरू में चुप रहता है दोस्तों, तो 48 फ्रेम के बाद ये बोलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे से क्या करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे खाली की लगाता हूँ, दोनों पार्ट में मैं खाली की लगा दूंगा हाथ के दोनों पार्ट में, और 6-7 फ्रेम छोड़ करके इसके हाथ को मैं आगे की तरफ करूँगा ऊपर वाले को, ऑटोमेटिक वहाँ पे की लग गया, और इसके दूसरे पार्ट को भी ऊपर की तरफ उठा दूंगा उसी लेयर उसी नंबर वाले फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी की लग चुका है दोस्तों। और फिर नीचे क्या करेंगे, 4-5 फ्रेम छोड़कर ब्लैंक की लगा देंगे, और उसके फिर 4-5 फ्रेम छोड़कर उसके बाद उसके हाथ को थोड़ा नीचे कर देंगे, तो ये परफेक्ट एनिमेशन होगा दोस्तों। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर वाला जो हाथ है यहाँ पे मैं खाली की लगा देता हूँ, और इस हाथ को 4-5 फ्रेम छोड़ करके ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ उठा दिया। फिर यहाँ पे 4-5 फ्रेम छोड़ करके मैंने खाली की लगाया, फिर 4-5 फ्रेम छोड़ा, और उसके बाद अब मैं इस हाथ को क्या करूँगा, नीचे की तरफ नहीं, ये सूंड वाला सेलेक्ट हो गया दोस्तों, मैं फिर से हाथ वाले लेयर पे जाऊँगा। तो हाथ वाले लेयर पे मैं पहले आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा, इसके हाथ को थोड़ा ऊपर की तरफ करूँगा। हाँ, इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ किया, और इस जो दूसरा हाथ का पार्ट है ऊपर वाला हिस्सा, मैं उसको नीचे की तरफ करूँगा यहाँ पे। तो ये नीचे की तरफ कर दिया दोस्तों। तो अब ये हाँ DM से मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ तो ये ठीक हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, 4-5 फ्रेम छोड़ूंगा फिर से खाली, और वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके खाली की लगाऊंगा, यानी कि वहाँ तक वो सेम एनिमेशन रहेगा, वहाँ से वहाँ तक उस दोनों की के बीच के फ्रेम्स में वो पार्ट हिलेगा नहीं। अब मैं 4-5 फ्रेम फिर से छोड़ूंगा और इसके हाथ को मूव कराऊंगा। तो इस वाले पार्ट को मैं पहले पीछे की तरफ खींचा, और यहाँ पे फिर मैं खाली की लगाऊंगा, और थोड़ा सा 4-5 फ्रेम नीचे जाऊंगा इस वाले पार्ट पे, और इस हाथ को ऊपर की तरफ कर दूंगा। इस पार्ट को मैंने ऊपर की तरफ किया, फिर नीचे 4-5 फ्रेम छोड़ा, यहाँ पे खाली की लगाया, फिर 4-5 फ्रेम छोड़ा, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा बॉक्स पे, इसके हाथ को मैं नीचे की तरफ करूंगा। तो ये हाथ में भी एनिमेशन लग चुका है दोस्तों। अब मैं इसे पहले फ्रेम पे जाके आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्ले कर दिया है, अब देखिए ये कैरेक्टर मेरा कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। पहले इसका गर्दन हिल रहा है, उसके बाद ये बोलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे इसके हाथों के रिएक्शन भी बदलेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये एनिमेशन मेरा बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अब मैं इसे क्या करूँगा, रेंडर पहले कैमरा लगाऊंगा। तो ये फिलहाल अभी मैंने इसमें कैमरा नहीं लगाया, एक बार और चला के दिखा देता हूँ। तो अब इसमें जो बाड़ी है इसमें कैमरा सेटिंग करने की है, कैमरा का व्यू सेटिंग करने का है। तो मैं इसे पहले चला के दिखा देता हूँ ये चल के कितना अच्छा हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, कैमरे वाले लेयर पे जाऊँगा, जूम आउट पहले कर लिया, छोटा कर लिया इस फ्रेम को मैंने। अब मैं क्या करूँगा, कैमरे वाले लेयर पे जाऊँगा दोस्तों, इसे खसकाया और कैमरे वाले लेयर पे पहले वाले लेयर पे क्लिक किया, इस वाले ऑप्शन पे गया, और यहाँ पे मैं स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और इसे खींच करके ड्रैग करके छोटा कर दूँगा इस कैमरा को। फिर पोजीशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, और इसे खसका करके इन दोनों कैरेक्टर को मैं बीच में लूँगा। तो ये एकदम परफेक्ट जगह पे आ गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, ये पहले फ्रेम पे यहाँ पे इतना छोटा कैमरा रहेगा, और जहाँ से हमारा कैरेक्टर बोलना स्टार्ट करता है मतलब 48 फ्रेम के बाद, तो मैं 48वें फ्रेम पे जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये रहा 48 फ्रेम, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और यहाँ ब्लैंक की लगाऊंगा, मतलब 1 से 48 तक हमारा कैमरा इसी साइज़ में रहेगा, और उसके बाद 48 से 72 पे जाऊँगा। अब मैं 72 वाले लेयर पे गया, और यहाँ पे क्या करूँगा, इस कैमरे वाले उस ऑप्शन में जाऊँगा जिसमें पोजीशन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें से मुझे अभी क्या करना है, इस कैमरे को गणेश जी के ऊपर ले जाना है। अभी दोनों है इसमें, तो मैं इसमें स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और इस कैमरे को और छोटा करूँगा, और पोजीशन फिर से सेलेक्ट किया, और इसे खींच करके सिर्फ गणेश जी के ऊपर रखा, शंकर जी को मैंने साइड कर दिया है। अब ये कैमरा जो यहाँ पे है 72 पे, यहाँ गणेश जी के ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे मैं और कुछ नहीं लगाऊंगा, अब मैं इसे चला के दिखाऊंगा। तो मैं पहले कैमरा व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये पहले साइलेंट मोड पे है, अभी कुछ नहीं बोल रहा। अब बोलना स्टार्ट किया मेरे कैरेक्टर ने, तो उस कैरेक्टर पे जूम किया मेरा कैमरा ने, तो ये हो चुका है मेरा एनिमेशन दोस्तों। अब मैं इसे रेंडर करूँगा, तो ये मेरा सीन बन के तैयार है। मैं रेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और रेंडर फास्ट रेंडर फॉर MP4 किया क्लिक, और ये कुछ ही सेकंडों में दोस्तों ये रेंडर होकर तैयार हो जाएगा, कुछ ही सेकंड लगेंगे। तो
तो जब तक सेकंड लग रहे हैं तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे तो रेंडर हो ही रहा है, बस होने ही वाला है दोस्तों, बस कुछ सेकंड और। तो बस तो यहाँ पे फाइनल हो चुका है, हाँ ये फाइनलाइज हो रहा है दोस्तों। तो ये रेंडर होके मेरा वीडियो तैयार है। तो अब मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर को, और जो रेंडर हुआ है मैं उसे आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसे ओपन विथ VLC मीडिया प्लेयर में चलाऊँगा, क्योंकि मेरा जो प्लेयर है वो थोड़ा अभी ख़राब चल रहा है दोस्तों, इसलिए मैं इसे ओपन विथ करके चला रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करूँगा। अब ये देखिए यहाँ से जो वीडियो मैंने बनाया है वो देखिए दोस्तों, ये देखिए ये 5 सेकेंड का वीडियो मेरा बनके तैयार है। पहले कैरेक्टर हमारा गर्दन कितना अच्छा हिल रहा है, अब बोलना स्टार्ट किया मेरे कैरेक्टर ने, कैमरा इसको जूम किया मेरे कैरेक्टर पे, और ये जब तक बोलेगा तब तक कैमरा इसी पे रहेगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो को